दस तारीख को आएगी। हाँ मतलब चांदनी के बिना इधर अच्छा ही नहीं लगता है, क्या होता लेकिन रोएगी तो हम नहीं जाएंगे पाग। ए मम्मी मम्मी हाँ यही रो रही। वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यन आर्य। तो कैसे आप लोग, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो भी देख रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि मैं बोला था कि ये लड़की नहीं जाएगी, तो ये नहीं जा रही है। कुछ कहना है आपको, कुछ भी बोलना है, अच्छे से रहना घर में, लड़ाई झगड़ा मत करना, प्यार से रहना। रोटी खाए तो बाहर रवाना चाहिए, हम तो जा रहे हैं और तुम भी जाएंगे। चलो बाहर देख, छोड़ दो। ये रो रही है क्या? रोएगी तो हम नहीं जाएंगे पाग। ए मम्मी मम्मी हाँ वही रो रही। अरे क्या हुआ, लगा अकेले न रेल खो जाएगी। जो ना हमें देखा चांदनी बड़की ऐसे बोलेगी हम नहीं जाएंगे, कोई बात है बोलो। बोलो कुछ बात हो कि तो हम जाए कि नहीं जाए। अरे हम देश नहीं हो कहना जाए लगा पापा तो हम कान नहीं जाएगी। ए चुप रह संधि रह, तो अपन ठीक से कहानी कहे लग ले यार। अच्छा नहीं कानते, नहीं कानते। ए रोना बंद करेगी, हंसिन हंसिन। अरे जाने देगी नहीं। ए तीरो क्यों कान रही है रे? जाए कि नहीं बताओ पहले, जाए कि नहीं? तो चलो बाहर। चलो भाई छोड़ दो थोड़ा। काने लग ले भाई, इधर डीजे बज रहा है, क्या ही बताओ। अरे हमारा तो जाने, रोना मत, अच्छे से रहना। और देखो कुछ भी हो जाए यार रोना मत तुम, ठीक है? रो कह रही थी रे, बेचारी हमारो कान रहे ठीक हो कि नहीं बताओ रे, जाए ना प्यार से बोलो, अच्छे से बोलो। ए चलो ले लो, चला ना ठीक है, चलाते हैं। तो चलिए जाया, चलिए गाइस साथ में जाया, स्टेशन में मिलते हैं आप लोगों से। अभी जाने को मैं चलाऊंगा, और जाने में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया यार, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, इसको भी जल्दी ठीक करवा। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं रुपेश का नया फ्लैट पे। भाई साहब एकदम एक फ्लैट नहीं दो फ्लैट में रहता है तो आज है ओपनिंग और कैसा भाई आज रोएगा नहीं तुम नहीं बन लेगी
अभी जब ये था और छोटा में इतना ही गोरा नहीं था लेकिन अरे और कैमरा देखते हुए है, देखो ना देख क्या अब मोटा भाई थोड़ा क्या ये लड़का स्टार है आने वाला। अरे इधर भाभी जी क्या बना रहे हैं सुबह सुबह, क्या बन रहा है सब्जी? बैगन का सब्जी, वाह। हर जगह पे जाइएगा लेकिन काम करना ही पड़ता है क्या? सही है। चांदनी आएगी आपका 10 तारीख को, 10 तारीख को आएगी। हाँ हाँ वो आने वाली थी, एक इवेंट है मतलब उधर ही जाके वीडियोस बनाना है। बनाइए आप, बाकी मिलते हैं आप लोग को शॉप पे 11 बजे। सो के उठी है लड़की, देख सकते हो इसको, यहाँ पे आके बदल गई है पूरा। क्या कोलकातिया बन गई की? तो चलिए गाइस, अभी कुछ देर के बाद ही निकलने वाले हैं सब लोग। सब लोग रेडी हो रहे हैं और अभी शॉप जाएंगे, दिखाते हैं। और क्या ही बताया भाई, रेस्टोरेंट खोल रहा है यहाँ पे, तो अब क्या चाहिए क्या? चलिए मिलते हैं आपको वहीं पे। गाइस ये अपने खुद ने खाई है और अभी तक बरस भी नहीं की और मेरे लिए खाना लाई है ना? किसको? हाँ बिछा दो अंदर, रुको उठा लेते हैं। दुकान गए थे? हम कहाँ गए, अभी तो वहीं से आ रहे हैं मार्केट से। तो तुम गए थे दुकान ले के? आओ वाह। तो गाइस अभी खाएंगे और जाएंगे दुकान और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। भाई साहब हो गए हैं बीमार, मतलब क्या ही बताएं, देख सकते हो इनको पानी वानी चढ़ा है, तबीयत खराब हो गया है। कल थोड़ा सा बारिश में भींगा, तबीयत खराब, मतलब क्या ही बताएं। क्या रे अभी कैसा लग रहा है भाई? ठीक है ना सब कुछ? शादी करेगा? तो चलिए खा के निकलते हैं अभी दुकान पे और उसके बाद घर भी जाना है आज हमको। क्या बताऊँ, ऐसा ही चल रहा है दिन। और तो गाइस अभी यहाँ से निकलेंगे दुकान, ठीक है भाभी, मिलते हैं आपसे, ठीक है? हम भी क्या, ठीक है आप हैप्पी बर्थडे एंड एंजॉय करिए आज का दिन आपके लिए है। दुकान खाओ भाई, तो ठीक है आते कोई और है क्या? बोल देते उनको कि बुरा नहीं लगे। ठीक है आते हैं, हाँ आते हैं, चांदनी से मिलवाते हैं आपको, उनसे ही मिलना चाहते हो। हमें पता नहीं क्या बुराइयां है या क्या अच्छाई है। अरे चार्जर रखा है ना? चार्जर पता नहीं, हाँ है। मेरा चार्जर कहाँ रखा रुपेश? चार्जर पूछ रहा है। तो चलिए अभी दुकान चलते हैं और फिर दिखाते हैं, अभी यहाँ से चार्जर ले लेते हैं अपना, नहीं तो यार चार्जर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है फोन के लिए, फोन उसके भरोसे चलता है। Thank you.
तो गाइस अभी हम लोग अपना रेस्टोरेंट आ चुके हैं, मतलब जो भैया खोले यहाँ पे देख सकते हो आप सामने से फ्रंट इसका कैफे विक्टोरिया, ठीक है। ये एड्रेस भी यहाँ का है और ये लेक टाउन में है। और आसपास का एड्रेस बता दीजिए आप। ये लेक टाउन है और घड़ी के पास में, घड़ी के पास में इधर ही है घड़ी। तो आइएगा और चलिए अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को अच्छे से। और ये है सीटिंग टेबल इधर, इतना ऐसा देख सकते हो आप लोग। और किचन दिखाते हैं इसका। यहाँ पे बिल काउंटर है ये ना, ये है आपका क्या भैया, कैसा है भाई? मस्त, कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा है, मस्त। चलो तुम लोग का ही मेहनत है भाई, और क्या, तुम लोग मेहनत जितना करोगे उतना हम आगे पहुँचेंगे क्या। एकदम एकदम। कैसा लग रहा है काम करके इतना दिन से आप? मजा आ रहा है ना? सामने वाले और भैया इधर एकदम मस्त। चलिए ठीक है भैया, अच्छा लगा, आते हैं फिर और हमेशा इधर आते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अपना दुकान खुल गया तो क्या ही प्रॉब्लम है क्या। और ये है मैनेजर यहाँ का, तुम सेठ है ना, सेठ बनेगा। तो चलिए आप, यही था इसके लिए आए थे। कल ही ओपनिंग हुआ था लेकिन अच्छे से वीडियो हम लोग नहीं शूट कर पाए क्योंकि ओपनिंग टाइम में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब अचानक से ही हो गया और कस्टमर आने लगे तो ये देखा। ठीक, अब क्या ही बता सकते हैं, फीता वगैरह भी नहीं कर रहा इस दुकान का, मतलब हो गया अचानक, कस्टमर आते गए आते गए, कल बारिश भी होने लगा उसकी वजह से। ठीक है अंकल, आते हैं। हाँ हाँ, अभी है ना वो कोम एक्सप्रेस, उससे मैं 3 बजे 4 बजे थोड़ा लेट, 4:30 बज गया ना, तो और कोई खड़ी होगा 6 बजे तक में चल जाएंगे। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक डिश तैयार हो के आ गया है, मंचूरियन, और हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है ऑनर साहब। और चलिए हम, मतलब मेरा ही फर्स्ट ऑर्डर आया है, पहले मैं ही यहाँ का चखने वाला हूँ। ठीक है, तू भी है भाई, पहले तो मैं ही हूँ ना। तो अभी बहुत हीट है तो क्या, दुकान का तुमको कैसा लगा? सही ना? तो वाकई में बहुत बहुत बहुत। तो गाइस अभी मैं हूँ अपने ससुराल में और हावड़ा गया था मैं वहाँ पर, मतलब क्या बताऊँ, फिर देखा नेट पे तो एक भी ट्रेन नहीं दिख रहा था, 8 बजे के बाद कोई ट्रेन ही नहीं था वहाँ पे। तो फिर क्या, चला आया इधर, फिर सुबह में 8 बजे ट्रेन था वो भी नहीं पकड़ पाया, अब 1 बजे ट्रेन है, 2 बजे ट्रेन है। तो चलिए 1 बजे ट्रेन वाला निकलेंगे। और अभी नाश्ता बन रहा है, मम्मी नाश्ता बना रही है, मतलब चांदनी के बिना इधर अच्छा ही नहीं लगता है क्या होता लेकिन आना पड़ गया इधर, बात कर रहे हैं, अच्छा लगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। बाय।